हाय गाइस, मैं पूनम अपने चैनल पूनम्स किचन एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए चलिए बनाते हैं एक अच्छी सी रेसिपी। तो गाइस, हम आज तिल और गुड़ के लड्डू बनाने वाले हैं। तो ये हमने 200 ग्राम तिल ले लिए हैं और इन्हें साफ़ कर लिया है। और ये हमने गुड़ ले लिया है थोड़ा सा। तो हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। और अब इसमें हम ये तेल भूनेंगे। तो हम कढ़ाई में तेल को भून लेंगे। इसे कढ़ाई में डालकर हम इसे चलाएंगे तो ये थोड़ा चटकने लगेंगे और इसके चटकने की आवाज़ आने लगेगी। तब तक हम इन्हें भूनेंगे। तो देखिए गाइस, ये हमारे तेल भुन रहे हैं और इसमें ये चटकने शुरू हो गए हैं। इनको थोड़ा सा ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए हम इन्हें थोड़ा सा ही भूनेंगे। थोड़ा ये फूले फूले से लगने लगेंगे। तिल बहुत ही पौष्टिक होता है और सर्दियों में अच्छा रहता है। तो देखिए गाइस, ये हमारे तिल भून गए हैं। तो इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। और इनको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा करेंगे। इन्हें 5 मिनट के लिए हम ठंडा होने देंगे। तो गाइस देखिए, हमारे तिल ठंडे हो गए हैं। तो अब हम मिक्सी का एक जार ले लेंगे और ये तेल हम जार में डाल देंगे। तेल को ठंडा इसलिए करना पड़ता है, नहीं तो मिक्सी का जार ख़राब हो जाता है। ज़्यादा गर्म चीज़ कोई पीस लेते हैं तो इसलिए हमने इसे थोड़ी देर ठंडा कर लिया था। और इसमें डालेंगे हम गुड़। तो ये हमने गुड़ ले लिया है तो इसको हम इसमें डाल देंगे। और मिक्सी के जार में हम गुड़ और तिल को एक साथ पीस लेंगे। तो देखिए गाइस, ये हमने गुड़ और तिल को डालकर जार में पीस लिया है। और देखिए ये इस तरह से ये तैयार हो गया है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से अगर हम तिल के लड्डू बनाते हैं तो झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए, हम सारा इसका मिश्रण निकाल लेंगे प्लेट में। और अब हम इसको हाथ से मिला लेंगे ठीक से, ताकि हमारे गुड़ और तिल सही से मिल जाए। इसको इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये मिश्रण लड्डू बांधने लायक
बन गया है और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू बहुत ही पौष्टिक होते हैं और सर्दियों में इनकी तासीर गर्म होती है, तिल की भी और गुड़ की भी, तो ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। और अगर हम इन्हें बनाकर रख लें तो इसे हम लंबे समय तक खा सकते हैं, क्योंकि ना तो गुड़ ही ख़राब होता है और ना ही तिल। तो इसे एक दिन बनाएं और इसे खाएं 15 दिन तक, जितने दिन भी चल जाएं, लेकिन ये टेस्टी इतने होते हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं और जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं और सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हम ये लड्डू बनाएंगे इसके। तो सारे लड्डू हमें इसी तरह से तैयार करने हैं। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा लेंगे, नींबू के साइज का हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, झटपट बनने वाले लड्डू हैं ना ये, एकदम झटपट बन के तैयार हो रहे हैं और इसमें हमें ना तो ज़्यादा मेहनत ही लगी है और ना ही ज़्यादा टाइम लग रहा है और पौष्टिक लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं हमारे। तो इसी तरह से हम ये जो हमारा मिश्रण है इसके सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो देखिए गाइस, ये हमारे सारे लड्डू बन गए हैं। तो गाइस देखिए, हमारे ये तिल गुड़ के लड्डू बनकर तैयार हैं और इन्हें हम बहुत ही झटपट बना सकते हैं। और इन्हें हमने मिक्सी में जार में पीस कर बनाया है तो ये बहुत ही झटपट बन के तैयार हो गए हैं, ज़्यादा समय नहीं लगा है। तो और इन्हें बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब हम तिल को भूनते हैं तो उसको हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, नहीं तो तिल का टेस्ट बदल जाएगा। और इसमें हमने ज़्यादा गुड़ भी नहीं डाला है, 200 ग्राम तिल में 100 ग्राम गुड़ हमने डाला है। तो इन्हें बनाइए, बहुत ही टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो गाइस, हमारे तिल गुड़ के लड्डू बनकर तैयार हैं। आप इन्हें बनाइए, खाइए और आपको कैसे लगे आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब हम मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।